Assalamualaikum everyone and welcome back to my new channel. It's me Malaika Ramal. उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो जैसे कि आप सब कैप्शन में पढ़ चुके हैं कि आई एम रिक्रिएटिंग माई फर्स्ट डेज ईद लुक बिकॉज उस दिन मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी और आई वॉज अनसेटिस्फाइंग विद द लुक. सो आई एम नॉट जस्ट रिक्रिएटिंग इट, आई एम इनहेंसिंग इट. आई एम गोना डू व्हाट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू द अदर डे. सो या लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो. जैसे कि आप देख सकते हैं माय स्किन इज़ ऑलरेडी प्रेप्ड. मैंने अपने सीरम्स भी लगा लिए, टोनर भी लगा लिया, उससे पहले फेस वॉश करके क्लेंस भी कर लिया था. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द कलर करेक्टर. सो नाउ आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट. और जो हमने इसको ब्लेंड करना है, रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप कलर करेक्टर को ब्लेंड करते हैं आपने उसको पूरे तरीके से अपने स्किन में अब्जॉर्ब नहीं करना, लीव इट. ओके सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, नॉट पूरे तरीके से बट मैंने इसको इस तरह ब्लेंड कर लिया कि वो दिख रहा है कि अब जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो उसके साथ जरूर जो है मर्ज होगी. आई एम गोना यूज मिस रोज की फाउंडेशन डॉट की फॉर्म में. आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई स्किन. ओके गाइज सो मैंने इसको लगा लिया, तो मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड और ब्लेंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ. तो गाइस अब जो मैंने अपनी फाउंडेशन बना ली है उसको मैं सेट करूंगी फेस पाउडर के साथ. एंड आई एम यूजिंग ग्लैमरस फेस का फेस पाउडर एंड लिटिल गोज ए लॉन्ग वे वाला सीन होता है फेस पाउडर के साथ. सो इसके साथ अपना हाथ आपने हल्का रखना है. एंड वन थिंग व्हाइल डूइंग मेकअप, नेवर एवर फॉरगेट्स योर नेक. अब अपने अंडर आइज को बेक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एल्फ का पाउडर, वाइट पाउडर एल्फ का यूज़ कर रही हूँ मैं. ठीक है मैंने फेस को अपने बेक करने के लिए इसको हम छोड़ देंगे. अच्छा मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी और तब तक मैंने फेस को करूँगी कंटूर. कंसीलर मैंने बिल्कुल नहीं लगाया बिकॉज मैंने ऑलरेडी कलर करेक्टर यूज़ कर लिया था और उसके ऊपर से मैंने फाउंडेशन यूज़ कर ली. सो आई डिडंट थिंक कि मुझे ना ज़रूरत थी अब कंसीलर की, क्योंकि एज मच इतने डार्क सर्कल्स भी नहीं है और बेक भी कर लेंगे. सो या इट विल लुक ओके. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटूरिंग विद द नोज. ठीक है इस तरीके से हमने ब्रिज ऑफ द नोज हमने अपना कंटूर कर लिया है. और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वही फेस पाउडर लेना है या आपने ये बनाना पाउडर ले लेना है. आई प्रेफर फेस पाउडर, तो मैं फेस पाउडर लेके इस तरीके से आई एम जस्ट गोना डू इट. यू कैन सी द विजुअल डिफरेंस इन टू माई नोज कि किस तरह से वो और शार्प हो गया. ठीक है फेस कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा नहीं करना, टू मच नहीं करना. तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बहुत ही लाइट हैंडेड इसको मैं जस्ट गोना डू इट लाइक दिस. से रेवोल्यूशन की जो किट है हमारे पास उसके अंदर से मैं शेड यूज कर रही हूँ सहारा. उसको मैंने लेना है अपने ब्रश में, द टिप ऑफ द ब्रश लेके उसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी सर्कुलर मोशन में इनवर्ड. ठीक है सर्कुलर मोशन में आउटर कॉर्नर से इनवर्ड हम करेंगे. ओके सो ब्लेंडिंग इज द की टू द स्मूथ आई मेकअप. वो आप देख रहे हैं मैंने कितनी ज़्यादा कर ली है. अभी मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, मैंने कोई तकरीबन अच्छा खासा टाइम इस पर लगाया. अब मैं नंबर 7 का ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है स्टे परफेक्ट. और इसको मैंने ओपन किया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर बड़ा ही प्यारा ब्रॉन्ज कलर का ग्लिटर है. और ये बिल्कुल वैसे लुक नहीं देता लाइक टू मच ग्लिटर ऑन योर आईज, जस्ट लाइक कहीं कहीं पे आपको ग्लिटर नज़र आ रहा है तो ये वो लुक देता है. तो मैं बस आई एम गोना टेक इट ऑन अ ब्रश एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट लाइक दिस. आई एम गोना यूज माय फिंगर. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट बट इट्स लुकिंग अमेजिंग लाइक वाओ.
आई लव दिस ग्लिटर बिकॉज ये टू मच एक ही जगह पे फोकस नहीं करता आँख पे, इट जस्ट गो ऑल अराउंड योर आईज. ओके सो मैं अपनी सेकेंड आई को भी करके आती हूँ फटाफट से. ओके तो नाउ यू गाइस कैन सी कि मैंने अपनी आईज का मेकअप जो है वो दोनों का कर लिया है. नाउ आई एम जस्ट गोना गो इन विद आई लाइनर. लेकिन उससे पहले जो ये मैंने अपने फेस को बेक किया हुआ है इसको मैं सारा डस्ट ऑफ कर दूंगी. सी कैन यू गाइस कि कितनी उससे मेरे फेस को डेफिनेशन दे दी है. लाइनर के लिए आई एम यूजिंग मिस रोज का लाइनर. एल्फ का भी लाइनर इज द बेस्ट. अभी वो मुझे मिल नहीं रहा जल्दी जल्दी में, सो आई एम जस्ट गोना गो विद दिस वन. सो गाइस लाइनर मेरा जो है वो लग चुका है. अब मैंने क्या करना है, मैंने फटाफट से तो जनाब यहाँ से सेम शेड सहारा लेकर जिस आईज मेकअप किया है उसी को अपने ब्रश पर लेकर मैंने यहाँ पर अपनी लोअर आईलाइन पे लगा दिया है दोनों तरफ, ताकि बहुत ही प्यारा सा स्मोकी इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो सके. मस्कारा अप्लाई करेंगे आईज पर और साथ ही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर ब्लश. हाइलाइटर के लिए मैं रेवोल्यूशन की इट में से शेड सैनो और स्कॉर्च को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ. ब्राउनिश एंड अ लिटिल बिट सिल्वरिश शेड है उसको मैं मिक्स करके अपने चिक पे अप्लाई कर रही हूँ. इसको अपने ब्रिज ऑफ माय नोज ऑन द टिप ऑफ माय नोज हियर. तो लिपस्टिक जो है मैं वो लगाने वाली हूँ स्वीट टच की वेलवेट कलेक्शन में से ब्राउन शेड. तो अब मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करके बाल बना के और लिपस्टिक लगा के आती हूँ वापस. सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक. मैंने इयर रिंग्स ये वाले पहने हैं ठीक है, और मैंने अपनी घड़ी पहनी है साथ में अपना कड़ा रिंग्स, और इस हाथ में जो है मैंने अपनी ये बटरफ्लाई वाली रिंग पहनी है ठीक है जी. और ये जो है मेरी फुल लुक है ठीक है जी, लाइक दिस. एंड देन मैंने इसके साथ पेयर अप किया है ये वाला अपना क्लच टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ फैंसी लुक एंड अपनी हाई हील्स इसके साथ ठीक है जी. और अब हम चलते हैं because I recreated this look. I am going to my friend's mehndi today. मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का मेकअप पसंद आया होगा. पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें. दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़.